हेलो एवरीवन, आज हम फिजिक्स का जो चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आपको पता है कि अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना, जैसे हम कहें कि अगर लाइट नहीं है तो हम प्लांट के नीचे चले जाते थे हवा लेने के लिए, लाइट नहीं थी तो कैंडल जला लेते थे। बट आज का जो टाइम है, आज के टाइम में बच्चे इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है लाइफ में। हमें मनोरंजन करने के लिए लैपटॉप चाहिए, टीवी चाहिए, एलसीडी चाहिए। हमें देखने के लिए बल्ब चाहिए, ट्यूब चाहिए, और हवा लेने के लिए पंखा चाहिए, एसी चाहिए। ये सब कहाँ से आएगा? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में बच्चे हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बात करेंगे चार्ज की। चार्ज चार्ज बच्चे आपको बताया, दो तरह के आपके चार्ज मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना देते हैं, दो एटमों के बीच में बॉन्ड बन जाता है चार्ज की वजह से। चार्ज की पहले बात करते हैं। चार्ज इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। चार्ज है क्या? दैट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। तीन आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल? फर्स्ट इज अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज शो करता है। जिस पे नेगेटिव चार्ज शो करता है उसको हम कहते हैं अनायन। ये चार्ज की टाइप है। अनायन वो चार्ज है जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा किसी एलिमेंट पे, उसको हम कहेंगे अनायन, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कहेंगे कटायन। नेगेटिव चार्ज अनायन, पॉजिटिव चार्ज कटायन, और जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा उसको हम कहेंगे न्यूट्रल। वो न्यूट्रल होगा जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज कटायन, नेगेटिव चार्ज अनायन, और नो चार्ज न्यूट्रल। ये आपके तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? हमारे पास चार्ज बनता है। ठीक है, जो बच्चे चार्ज है, चार्ज आपको पता है टू टाइप के हमारे पास चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज मान लो दूसरा भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, या फिर नेगेटिव या दूसरा भी नेगेटिव है, इन दोनों को कहते हैं लाइट चार्ज। इन दोनों को कहते हैं लाइट चार्ज, सेम चार्ज, जहां दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो। इस केस में बच्चे क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव में दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर दोनों में बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। आपको मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज को क्या कहना है? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। नेगेटिव चार्ज किसको कहना है? जिसके पास पैसे की कमी है। अगर दो, मान लो दो पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसा है, पैसा होने की वजह से ईगो आएगी और वो दोनों अलग हो जाएंगे। अगर दोनों भिखारी हैं, पैसे की कमी है, भिखारी हैं, तो दोनों फ्रेंड बनकर क्या करेंगे? अगर कोई दोनों को बेनिफिट नहीं हो रहा वो भी दूर चले जाएंगे। तो आपको के लाइक चार्ज जब सेम चार्ज क्या करते हैं? ऑलवेज रिपेल करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, अगर चार्ज डिफरेंट हो, चार्ज क्या हो? डिफरेंट। डिफरेंट में क्या करोगे आप? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जहां फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। इस केस में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे।
मान लो एक पर्सन गरीब है, वो अमीर को अपनी तरफ खींचेगा कि इसका जो पैसा है मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, हमेशा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ये होगी चार्ज की बात। उसके बाद जो टोटल चार्ज है बच्चे, टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। क्या इक्वल टू, क्या इक्वल टू एन ई, क्या इक्वल टू एन ई, जितना चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना इसका चार्ज होगा, क्या इक्वल टू एन ई। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या इक्वल टू एन ई, क्या इज द चार्ज। उसके बाद एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई नेगेटिव इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या इक्वल टू एन ई, ठीक है। ई इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, चार्ज के इक्वल होंगे। तो चार्ज देखो बच्चे, जब ये डेफिनेशन आती है चार्ज इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस टॉपिक का नेम क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की किसी में क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और किसके इक्वल है, क्यू इक्वल टू एन ई, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद जो बच्चे चार्ज है इसकी एसए यूनिट क्या है, एसए यूनिट ऑफ चार्ज, एसए यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। इसको सी से डोनेट करते हैं और कहते हैं कूलम। जो एसए यूनिट है चार्ज की वो क्या है, कूलम। इसको ओनली सी भी कह सकते हो, एसए यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो आपको पता है कि वन कूलम किसके इक्वल होगा, वन कूलम, वन सी इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई 10 रेस्ट पावर 18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। 1 कूलम इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट पावर 18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट पावर -19 कूलम। ये दोनों आपने बातें याद रखनी है, 1 कूलम इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट पावर 8 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट पावर 19 कूलम। ये आपका चार्ज है और इसके बेस पे आपको मोस्टली न्यूमेरिकल आ जाता है। न्यूमेरिकल बच्चे कैसे आता है ये देख लेते हैं हम। न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दी होगी, ये वैल्यू हम लिखी रहने देते हैं, दोनों वैल्यू आपको मैंने कहा कि If Q equal to 3.2 कूलम, अगर जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो 3.2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकालने हैं, n निकालना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q की वैल्यू मुझे पता है 3.2 है, या इसको मल्टीप्लाई में ले लो 10 रेस टू पावर -19 में, कितने कूलम मेरे पास चार्ज है। और जो एन मैंने निकालना है, क्यू की वैल्यू मैंने फिल कर दी 10 रेस टू पावर -19 मल्टीप्लाई इक्वल टू एन मैंने निकालना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेस टू पावर -19, तो एन बच्चे कितना आ गया 2 के इक्वल आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा और n इक्वल टू 2 आ गया। इसमें एक बात याद रखने वाली है, n आपका रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, एक वो इंटीजर होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, रेशियो की फॉर्म में ना हो, रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए।
ये हो गया हमारा चार्ज का टॉपिक, जो आपका मोस्ट बेसिक टॉपिक रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो चार्ज है। चार्ज के नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे, उसमें हम पूरी डिटेल में इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट को कंपेयर कराएंगे विद द चार्ज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।